राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जीत्या का व्रत अर्थात जीवित पुत्री का व्रत की पूरण पूजा विधि और कथा। बंधुओं, जीत्या अर्थात जीवित पुत्री का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। इस व्रत में माताएं अपनी संतान की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए पूरा दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत गिना जाता है। बंधुओं, यह व्रत सप्तमी से शुरू होकर नौमी तिथि तक चलता है। यह व्रत सूर्य छठ के महापर्व की तरह 3 दिन तक मनाया जाता है। यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नौमी तक चलता है। सप्तमी का दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। यह बिल्कुल छठ पर्व की तरह होता है। इस दिन महिलाएं गंगा जी में स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। यदि आप गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते तो आप नहाने के जल में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर स्नान करें और उसके बाद पूजा का संकल्प लें। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक बार भोजन किया जाता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। कहा जाता है कि यह खाना चील और स्यारिन के लिए रखा जाता है। व्रत के दूसरे दिन यानी अष्टमी को खुद जीतिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। आखिरी दिन पारण किया जाता है। जीतिया के पारण के नियम अलग अलग शहरों में अलग अलग हैं। पूजा करने के बाद व्रत कथा अवश्य सुने। जीतिया अर्थात जीवित पुत्री का व्रत की कथा। कृष्ण भगवान की जय हो। बंधुओं, जीवित पुत्री का व्रत को जीतिया व्रत भी कहते हैं। बंधुओं, जीवित पुत्री का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपनी संतान को कष्टों से बचाने और लंबी आयु की मनोकामना के लिए करती हैं। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। कुछ जगहों पर इसे जीतिया व्रत भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में यह व्रत प्रमुखता से रखा जाता है। बंधुओं, जीतिया व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए भी रखा जाता है। बंधुओं, यह पर्व आश्विन मास में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। बंधुओं, जीतिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं, फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरा दिन निर्जल रहती हैं। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर, भात, मरवा की रोटी, नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा भी करती हैं। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी होती है
यह माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे कुल का नाम रोशन करता है। बंधुओं, जीवित पुत्रिका के व्रत के करने से जिनके पुत्र तो होते हों परंतु जीवित ना रहते हों जीवित रहने लगते हैं, साथ ही मृत वसा दोष दूर हो जाता है। एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके सात पुत्र काल के गाल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, भगवान आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे सात पुत्र हुए परंतु जीवित कोई ना रहा, क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में दुखी देखना नहीं चाहते हो तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था, सूर्य देव विनती सुनो, पाओ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वही रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण के पुत्र के प्राण लेने के लिए आया। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर कर भाग गए, परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दी, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई, उसी तरह सब की उम्र बढ़ाना। बंधुओं, जीतिया व्रत की आपको मैं एक और कथा सुना रही हूँ। एक बार गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन किया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जिमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जिमूतवाहन शासन से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेवारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए एक बुढ़िया उन्हें विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह सांप के परिवार से है, उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षी राज गरुड़ को चढ़ाया जाता है। उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह जिमूतवाहन से उसके बारे में पूछता है।
तब गरुड़ जीवित वाहन की वीरता और प्रोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जीवित पुत्री का व्रत अर्थात जीतिया व्रत मनाया जाता है। बंधुओं, जीवित पुत्रिका से संबंधित एक और कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि को छीन लिया। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्म अस्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही फिर से जीवित कर दिया। गर्भ से मर कर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और तब से ही संतान की लंबी आयु के लिए जीतिया अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत को किया जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।